खूब खूब धन्यवाद। आप स्थान ग्रहण करिए। पिछले 20 सालों से पहले 9 साल तक अपने आपके खुद के शरीर के प्रयोग किए और कई रोग नाबूद किए और लास्ट 30 इयर्स यानी कि 30 साल से जो ये नई भोजन प्रथा का शोध किया है और दुनिया भर में प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे चौहान साहब की अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं और आप सभी दर्शकों का भी प्रेक्षकों का भी मैं अनुमोदन चाहता हूं कि अपना ये कार्यक्रम पहली बार अनाउंसमेंट भी हिंदी में हो और चौहान साहब का प्रवचन भी हिंदी में हो, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग होता है और यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड होता है तो दुनिया भर के करोड़ों लोग इनका लाभ ले सकते हैं। तो आप सबकी अनुमति से हम हमारी टूटी फूटी जो आती है वो हिंदी लैंग्वेज में प्रयत्न करेंगे। आज का आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट अकबर भाई मुल्तानी आपका हार्दिक स्वागत करता है। खुशकिस्मत है लोग जो इस पवित्र भूमि के पवित्र वातावरण में आज एक पवित्र अभियान की ओर जाने की कोशिश करेंगे और अपने डॉक्टर अपने जज खुद बनने का सीख प्राप्त करेंगे। जैसा मैंने कहा, 30 साल से ये नई भोजन प्रथा प्रणाली चौहान सर ने शोध किया और अपने आप पे ट्राई किया। 9 साल के बाद कई रोग नाबूद होने के बाद सभी के कहने पर रिश्तेदारों में सगे संबंधियों में उनका प्रचार प्रसार हुआ तो ये दुनिया भर में कई देशों में उनके करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार चौहान सर का तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे और ये कार्यक्रम हमारा एकदम सुखरूप और ऊपर वाले के आशीष से संपूर्णतः सफल हो इसकी प्रेरणा हमें मिले, इसलिए एक प्रार्थना से हम इसका शुरुआत करेंगे। आज की प्रार्थना भी अलग है, जैसी भोजन प्रणाली अलग है वैसी आज की प्रार्थना भी अलग है। प्रार्थना में हम नमाज पढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो मांगने जाते हैं। इस प्रार्थना में देने की बात है, लेने की बात नहीं, देने की बात है, क्योंकि प्रकृति के सभी तत्वों से हमें कुछ न कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। इंसान ही ऐसा है कि जो कुछ वापस करना नहीं जानता। तो इस प्रार्थना में भाव यह है कि हम प्रकृति को, इसको, ईश्वर को कुछ वापस करने की कोशिश करें सेवा के रूप में, जैसा कि चौहान साहब कर रहे हैं 30 साल से। कुछ कितना भी छोटा कार्यक्रम हो तो भी वो हमें तारीफ देते हैं और उपस्थित रहते हैं। हजारों की मेदनी हो तो भी उनकी शिविर चलती रहती है, 7-7 दिन की शिविर उनकी चलती है, 6-6 घंटे की। और हमारा ये कम नसीब है कि जितना लम्हे हमारे गुजर जाएंगे वो कम पड़ेंगे, हमें एक दिन में उनको हमें 7 दिन का भोजन पिरसना है। तो यदा वक्त हम दूसरी बातों में नहीं बिताएंगे तो मैं जयंत भाई वाड़ीले को विनती करता हूँ वो यहाँ हमारी शुरुआत प्रार्थना से करें। यत्कृपातमहं वन्दे परमात्मा।
ईशा हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। ईशा में देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें।